नमस्कार दर्शकों, इस समय आप सभी को जयगांव का सबसे बड़ा डेवलपमेंट का नजारा दिखाने जा रहे हैं। हम लोग इस समय मौजूद हैं भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव के भूटान गेट के नजदीक और आपको दिखाना चाहेंगे कि जयगांव का सबसे बड़ा डेवलपमेंट। ये दृश्य आप देख सकते हैं, जयगांव में जो हाई मास्ट लाइट लगाया हुआ है, जो टावर लाइट लगाया हुआ है, पूरे दिन के उजाले में जगमगाता हुआ, दिन के उजाले में जगमगाता हुआ। और आखिर ये कौन अंधा है जिसको दिन में उजाले की जरूरत है, किस अंधे को दिखाने के लिए दिन में उजाले में लाइट जलाना पड़ रहा है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट ही है जो जयगांव में रात के समय में, भले ही ये जो एनएस रोड है, एमजी रोड है, पूरी तरह से अंधकार में चला जाता होगा, अंधकार में डूबा रहता है, लेकिन वही दिन के उजाले में आपको सीधा दृश्य दिखा रहे हैं, लाइव दृश्य दिखा रहे हैं, दिन के उजाले में किस तरह से ये लाइटें जल रही है, जगमगा रही है। ऐसा मानो कि जो अंधा जो यहाँ के नेता है, जिन्हें दिन के उजाले में जयगांव की समस्याएं नहीं दिखती, उनको दिखाने के लिए, उनको दिन के उजाले में दिखाने के लिए कि जयगांव की सच्चाई क्या है, जयगांव की समस्या क्या है, इसी तरह से उजाले में लाइट जलाकर दिखाया जा रहा है। शायद रात के समय में उन्हें ये पता नहीं चलता होगा, शायद दिन में आए तो उन्हें ये पता चल जाए। जयगांव का सबसे बड़ा ये डेवलपमेंट का दृश्य दिखा रहे हैं हम लोग, भूटान गेट के नजदीक इस समय मौजूद है। आम समय पे आप अगर रात के समय पे आएंगे तो अधिकांश स्ट्रीट लाइट है आपको जलती हुई नहीं दिखेंगी, एक्का दुक्का अगर जलता हुआ दिख जाए तो वो आपका खुशनसीबी होगा, लेकिन दिन के समय में अगर इस तरह से जलता हुआ आपको अगर स्ट्रीट टावर लाइट अगर दिखे तो इसे बड़ा डेवलपमेंट मैं क्यों ना कहूं। ऐसा कौन अंधा है जो जिसको जरूरत है दिन के उजाले में इस तरह से लाइट जले ताकि उसे दिखाई दे। यहाँ का सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि जयगांव में जिस समय जो जरूरत होता है वो होता नहीं है, लेकिन जिस समय जिस चीज की जरूरत नहीं है वो धड़ल्ले से हो जाता है। जहाँ पे सड़कें खराब होंगी वहां पे सड़क नहीं बनता, और जहाँ सड़क से गाय बछड़े जानवर भी नहीं चलते होंगे वहां पे लाखों करोड़ों रुपए का सड़क बन जाता है। रात के समय में, दिन में जयगांव में स्ट्रीट लाइटें भले जले या ना जले, सुबह में इस तरह से आपको लाइटें जलती हुई नजर आ जाएंगी। ये दृश्य देखें, ये एक जयगांव का डेवलपमेंट ही है जो दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइटें जल रही है, और इसे ना किसी को आपत्ति होगा, ना किसी को समस्या होगा, ना आम जनता इसके लिए कुछ बोलने वाली है, ना प्रशासन इसके लिए कुछ करने वाली है, और ना ही यहाँ के नेतागण को कोई फर्क पड़ने वाला है। ये स्थिति है जयगांव का, और जयगांव में डेवलपमेंट का जय जयकार बुलंद है। अगर जयगांव के सड़कों में स्विमिंग पूल दिख जाए, तालाब दिख जाए तो आप चौंकिएगा मत, वो भी एक डेवलपमेंट का उदाहरण ही है। जिस तरह से इस समय आपको भूटान गेट के नजदीक ये टावर लाइट का लाइटें जलती हुई जगमगाती हुई दिख रही है, और यहाँ से ना जाने कौन दिन का अंधा गुजरता होगा जिसको दिन का उजाले में लाइट की जरूरत पड़ती होगी, जिसके लिए यहाँ के प्रशासन, यहाँ के नेतागण लाइटें जला रहे हैं। आप ये दृश्य देखें, और हम एक यहाँ के सज्जन व्यक्ति से बात करेंगे। दाजू, दिन को समय में अपनी लाइट बोली रहे सर, राती बोल छ होला? राति त खोइ मैले त अहिलेसम्म बलेको देखेको छैन। जयगाउँको त बाटो त स्ट्रिट लाइटहरू त त्यति बलेको देखेन, त्यही त छैन बलेको चाहिँ। दिनमा यस्तो बलिँदै रहेछ, त्यो त अब राति बल्दैन। यहाँको अब गभर्नमेन्टको अब यहाँको मान्छेहरू अब उल्टा होला, उल्टा सिस्टम होला, ठुलो डेभलपमेन्ट रहेछ। हजुर हजुर, को आउँदा रहेछ जसले चाहिँ दिनको त्यही त दिउँसो चाहिँ बल्ने बेलुका चाहिँ नबल्ने, यो सिस्टम चाहिँ अब खोइ मलाई पनि थाहा भएन कस्तो सिस्टम। यो टेक्नोलोजी चाहिँ अरू जग्गा छ? अर्को जग्गा त छैन, यही मात्रै छ जयगाउँमा। के भन्नुहुन्छ त्यो नेताहरू जो नेताहरू जयगाउँको समस्या देख्दैन, यस्तो दिनमा लाइट बलिरहेछ त्यो देख्दैन, के भन्नुहुन्छ त्यसको लागि? अब के भन्नु, म त अब खोइ अब यहाँको अब मान्छेहरूको नै दिमागै उल्टा होला।
दिउँसो लाइट बाल्ने बेलुका नबाल्ने अब यहाँको सिस्टमै यस्तो हो रहेछ। अब म एक्लै बोलेर म छुच्चा हुन्छ होइन, यहाँ त सबै अब आफ्नो आफ्नो मतलब आफ्नो आफ्नो उसमा उसमा मतलबमा हिँड्छ। अब म एक्लै बोल्यो भने म आफै नराम्रो हुन्छ। हामी त ड्राइभर हो, अब बेला बेलामा समस्या हुन्छ, लाइट छैन भने कोही कोही बेला यहाँबाट हिँड्नेहरू चोर मोबाइल चोरेको हुन्छ, कोही कोही बेला यहाँनिर कोही बेला छिन्तै हुन्छ, धेरै किसिमको हुन सक्छ। राति त अवश्य बोल्नु पर्ने हो, अब दिउँसो बाल्छ बेलुका निभाउँछ, अब सिस्टमै अर्को रहेछ। हजुर हजुर, त्यो ब्यानरको लाइटहरू भोलि बल्छ, बरु यो लाइटहरू बेलुका बल्दैन बल्दैन। मेरो नाम चाहिँ माइते लामा। दाजु के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, यहाँ त बहुत समस्या छ, यहाँ त पब्लिक यहाँ पब्लिकको केही उयो छैन नि, मतलब पब्लिकले चाहिँ अब कुनै उयो लिँदैन क्या, कुनै चासो लिँदैन। अन्त पब्लिकले चाहिँ अब यहाँको चाहिँ एकदम खालि कमाउनु, भित्र पस्नु, निक्लिनु, त्यति मात्रै हो। अरू केही यहाँ कर यहाँनिर कस्तो कस्तो अब धनी धनी मान्छेहरूले होइन यो के अरे बिफिएल बिफिएल कार्ड घरमै पाउँछ, तर गरिब मान्छेहरू चाहिँ एफएल पाउँछ घरमै घरमै दिन्छ। जय गाउँमा यति केयरलेस छ, अब यहाँ त खोइ सबै त अब आफ्नो आफ्नो धुनमा छ। यहाँ त यो सबै अब गभर्मेन्टको होला, गभर्मेन्टले दिएको होला, गभर्मेन्टको छ भने त्यो लाइटहरू पनि त गभर्मेन्टको त्यो त राति त बल्दैन त। अँ त्यो अब बल्दैन नि, अब के गर्नु त, अब त्यस्तै छ यहाँ त, जयको सिस्टमै यस्तै हो, राति बल्दैन। दाजुको के नाम रहेछ? मेरो जेठा, जेठा विश्वकर्मा। धन्यवाद। और दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे, दिन के उजाले में भूटान गेट के सामने, ठीक सामने यहीं पे ट्रैफिक चेक पोस्ट भी है, यहीं पे तमाम एजेंसियां भी यहां पे मौजूद है, सरकारी एजेंसियां, कस्टम विभाग बोले, एसएसबी का कैंप बोल रहे, तमाम ट्रैफिक पुलिस का कैंप बोल रहे, यहीं तमाम सभी मौजूद है। और वहीं पे इस तरह से लाइटें दिन में जल रही है, जगमगा रही है, ऐसा मानो कि किसी अंधे को दिन में उजाले की जरूरत है। अब ये कौन अंधा है जिसको दिन में उजाले की जरूरत है, जिसके लिए प्रशासन लाइट जला रही है, ये तो आप खुद ही समझे। फिलहाल यहाँ से हम लोग विदा लेना चाहेंगे। जयगांव का सबसे बड़ा डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट काफी सारा है, काफी जगहों पे है, उसका भी दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखाते रहेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।